नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज करते हैं आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ से शब्दार्थ, MCQs तथा प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आप जान सकें और MCQ प्रश्नों के उत्तर दे सकें और खुद को परख सकें कि पाठ कितना समझ में आया था। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ। आरंभ यानी शुरुआत, संभावना इसका अर्थ होता है उम्मीद होना, औसतन लगभग, अतिथि यानी मेहमान, व्यवस्था इंतजाम को कहा जाता है और लायक का अर्थ होता है योग्य, बढ़ईगिरी यानी लकड़ी का काम करने की कला, मासिक महीने में होने वाला या महीने भर का, मालूम पता होने को कहते हैं और मदें होती हैं वस्तुएं, जुटाना इसका अर्थ होता है प्रबंध कर लेना। तो बच्चों ये तो थे शब्दार्थ। आइए अब करते हैं MCQ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आता है, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अनुबंध उपाध्याय, करमचंद गांधी या इनमें से कोई नहीं? बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। उत्तर है करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ की विधा क्या है? निबंध, लेखा जोखा, जीवनी या पत्र? उत्तर है लेखा जोखा। गांधी जी किसका खाका तैयार कर रहे थे यानी किसका फॉर्मेट बना रहे थे? आश्रम का, आश्रम में होने वाले खर्चे का ब्यौरा, बैठक की योजना या उपर्युक्त सभी? उत्तर है आश्रम में होने वाले खर्चे का ब्यौरा कि आश्रम में कौन कौन सी चीजों पर कितना खर्च होगा। अगला प्रश्न, गांधी आश्रम किस जगह बना रहे थे? मुंबई में, अहमदाबाद, फिरोजाबाद या मुरादाबाद? चलिए देखें आपका उत्तर सही था या नहीं। उत्तर है अहमदाबाद। वर्ष में औसतन 50 लोगों पर कितना खर्च होने की संभावना थी? 10,000 रुपए, 7,000 रुपए, 6,000 रुपए या 8,000 रुपए? चलिए उत्तर से मिलान करके देखिए, 6,000 रुपए। आश्रम में कितने क्षेत्र में मकान बनाने का हिसाब लगाया गया? 60,000 वर्ग फुट, 50,000 वर्ग फुट, 40,000 वर्ग फुट या 35,000 वर्ग फुट? उत्तर है 50,000 वर्ग फुट में मकान बनाने का हिसाब लगाया गया था। अगला प्रश्न, रसोई के लिए आवश्यक सामान पर कितना खर्च आने की संभावना थी? 200 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए या 300 रुपए? उत्तर है 150 रुपए। आशा है कि आपके उत्तर सही निकल रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सपरिवार रहने वाले अतिथि की संख्या आश्रम में कितनी होने वाली थी? 2, 3, 5 या 3 से 5? उत्तर है 3 से 5। आश्रम में हर महीने कितने अतिथियों के आने की संभावना थी? 5 अतिथि, 8, 10 या 12? उत्तर है 10 की। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने आश्रम में कितने रसोई घर बनाने की बात लिखी है? 5, 4, 3 या फिर 2? ये हमने पाठ की वीडियो में बताया था कि उन्होंने अतिथियों के लिए 3 रसोई घर बनाने की बात लिखी थी। गांधी जी ने मासिक प्रति व्यक्ति खाने के खर्च का क्या अनुमान लगाया यानी एक महीने में हर व्यक्ति के खाने पर कितना खर्चा होना था? 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए या 15 रुपए? उत्तर है 10 रुपए। गांधी जी के अनुसार आश्रम में कितनी पुस्तकें रखनी थी? 4,000, 2,000, 5,000 या फिर 3,000? उत्तर है 3,000। इसके लिए अलमारियों का भी प्रबंध करना था। खेती करने के लिए कितने एकड़ जमीन की आवश्यकता थी? 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ या फिर 5 एकड़?
उत्तर है 5 एकड़ जमीन। खेती और बढ़ई गिरी के औजारों की खरीद में कितना खर्चा आने की संभावना थी? 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए या फिर 7 रुपए? उत्तर है 5 रुपए। खेत में काम करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होने वाली थी? 20 लोग, 30 लोग, 25 या फिर 50? उत्तर है 30 लोग। स्टेशन से अतिथि या सामान लाने के लिए किस वाहन की आवश्यकता थी? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल या फिर कार? चलिए उत्तर देखते हैं, बैलगाड़ी। गांधी जी आरंभ में आश्रम में कितने लोगों के होने का अनुमान लगा रहे थे? 60 लोगों का, 40, 50 या 80? इस प्रश्न का उत्तर पाठ की पहली पंक्ति में ही छिपा हुआ है। चलिए उत्तर देखते हैं, 40। हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी? 10, 20, 15 या फिर 30? इसी प्रकार का एक प्रश्न हमने पिछले उसमें भी किया था। बिल्कुल सही पहचाना आपने, उत्तर है 10। तो बच्चों, इस प्रकार के कई एमसीक्यू प्रश्न और बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। उसके अतिरिक्त हमने कुछ प्रश्न ऐसे भी दिए हैं जो आपके परीक्षा के लिए काम आ सकते हैं, वो पाठ में नहीं दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी के अनुसार आश्रम में कौन कौन से खर्चे थे? इस प्रश्न का उत्तर पाठ के अंतिम पृष्ठ पर था। बिल्कुल सही पहचाना आपने, चलिए देखते हैं उत्तर। गांधी जी के अनुसार आश्रम में मदों में होने वाले खर्च इस प्रकार थे: मकान और जमीन का किराया, किताबों की अलमारियों का खर्च, खेती और बढ़ईगिरी के औजार। गांधी जी भी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार क्यों खरीदना चाहते होंगे, क्या कारण था? गांधी जी आश्रम में आने वाले हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहते होंगे। पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार जैसे छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि खरीदना चाहते होंगे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पाठ में दिया गया है। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं और आंदोलनों के नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों के उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। तो आपने उनके कई पाठ भी पढ़े होंगे, शायद कुछ किताबें भी पढ़ी हों। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गांधी जी के ऊपर लिखी गई किताबों से पता चलता है कि गांधी जी बचपन से ही हिसाब किताब और समय के पाबंद थे। वो एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो 25-25 किलोमीटर तक एक दिन में पैदल चलते थे। ये आपने कक्षा 6 में भी जाना होगा, पाठ था नौकर। उनका ये मानना था कि पैसा केवल जरूरत के समय खर्च करना चाहिए। इस पाठ में भी साबरमती आश्रम में उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि आने वाले मेहमानों के खर्च भी उसमें शामिल किए गए। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करते, किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? अभी हमने लघु प्रश्न में इसका उत्तर लिखा था, आइए अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं। हमारे यहाँ यानी भारत में बहुत से काम लोग खुद नहीं करते, किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसूले इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि छोटे छोटे कामों के लिए आश्रम के निवासियों को दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, वो आत्मनिर्भर बन सके, कुटीर उद्योग, लोहार और बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा मिल सके, जरूरतमंदों को काम मिल सके और लोक श्रम का महत्व भी समझ सके। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं, मतलब आपको क्या समझ में आता है? अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हमें ये समझ में आया कि गांधी जी आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आश्रम को भी स्वावलंबी बनाना चाहते थे। वह आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति को श्रम के लिए प्रेरित करना चाहते थे। इस आश्रम का उद्देश्य श्रम का महत्व समझना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे आदि से स्वदेशी आंदोलनों को बढ़ावा देना है। इस आश्रम की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता है, यानी वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते थे।
मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसको अनुमानित बजट बनाइए, यानी उसका आपको बजट बनाना है। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना या हटाना चाहेंगे। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप सरलता से स्वयं भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पाठ पढ़ा है और आप जानते हैं कि किस प्रकार से आश्रम खोलने में खर्चा आ सकता है। चलिए फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम उत्तर दे देते हैं। एक बाल आश्रम खोलने के लिए अलग अलग साधनों की जरूरत होगी। अगर बाल आश्रम में 30 बच्चे हैं तो उनके लिए 6 कमरे होने जरूरी हैं। पुस्तकालय, स्नान का कमरा और खेलने का कक्ष भी होना चाहिए। रसोई में बड़े बर्तनों का प्रयोग होना चाहिए, जैसे बड़े पतीले, कड़ाही, छोटे पतीले, लगभग 35 थालियां, 60 कटोरियां भी होनी चाहिए। बच्चों की आयु के हिसाब से उन्हें पौष्टिक भोजन भी देना होगा। हमारे अनुमान से इसमें लगभग 40,000 रुपयों का खर्चा होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे छोटे काम, जैसे कि घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना, ये आप करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कामों की सूची आपको बनानी है जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही दम लेंगे, यानी सीख कर ही छोड़ेंगे। तो बच्चों, ये आप खुद ही कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ऐसे बहुत से काम होंगे जो आपके मन में होंगे, आप सीखना चाहते होंगे परंतु नहीं सीख पाते होंगे। चलिए फिर भी हम इसका उत्तर आपको दे देते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई छोटे मोटे काम हैं जो हम खुद कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो हम सीखना चाहते हैं, जैसे सिलाई का काम, जूता मरम्मत करना, पुताई करना इत्यादि, परंतु घर में इन कामों को सिखाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम ये काम नहीं सीख पा रहे। मुझे सिलाई, कढ़ाई और साथ ही साथ में केक बनाना बहुत पसंद है। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं इन तीनों कलाओं को अवश्य सीखूंगी। चलिए अब करते हैं भाषा की बात। अनुमानित शब्द अनुमानित में अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है, यानी अनुमान मूल शब्द है और उसमें इत प्रत्यय यानी पीछे शब्दांश लगाया गया है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में बदल जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्दों को पहचानिए और देखिए कि क्या बदलाव आ रहा है। प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झनकृत, शिक्षित, मोहित और चर्चित। आप इसमें से मूल शब्द बड़े आराम से पहचान सकते हैं, जैसे प्रमाणित में प्रमाण और इत, व्यथित में व्यथा और इत। आइए देखें किस तरह से इनमें बदलाव आया है। प्रमाणित प्रमाण और इत से बना है, व्यथित व्यथा और इत से, द्रवित द्रव और इत से, मुखरित मुखर और इत से, झनकृत इसमें झनकार और इत है, शिक्षित में शिक्षा के साथ इत जोड़ दिया गया है, मोहित में मोह के साथ इत लगाया गया है और चर्चित में चर्चा के साथ इत। तो इस प्रकार से आप शब्दों को पहचान सकते हैं कि मूल शब्द कौन से हैं और उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इत प्रत्यय की तरह ही इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं, तब शब्द से पहले अक्षर में भी बदलाव हो जाता है। जैसे सप्ताह के साथ इक जोड़ने पर साप्ताहिक, यहाँ सप्ताह से साप्ताह हो गया है। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, उनमें मूल शब्दों को पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। मौखिक, संवैधानिक और प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक और दैनिक। आइए देखते हैं। मौखिक, मौखिक में मुख के साथ इक जुड़ा है परंतु ऊ की मात्रा औ में बदल गई है। उसी प्रकार संवैधानिक, यहाँ संविधान और इक से बना है, परंतु जब इसके साथ इक जुड़ा है संविधान के साथ, तो वो ई की मात्रा अ में बदल गई है। उसी प्रकार प्राथमिक में प्रथम और इक है, प्रथम में प्र के बाद आ की मात्रा जुड़ गई है। नैतिक, नीति और इक से बना, अब यहाँ पर न पर जो बड़ी की मात्रा है वो अय की मात्रा में बदल गई है। पौराणिक, पुराण और इक से बना है, जैसे उ की मात्रा का औ में बदलाव। दैनिक, दिन और इक से बना है, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा अय की मात्रा में बदल गई है। यदि इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो हमने प्रत्येक वाला एक वीडियो बनाया हुआ है,
उसमें विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है, वो अवश्य देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी शब्द दो शब्दों के जोड़ने से बनते हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका होता है। ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे छह शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उसमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। आइए देखते हैं। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। दानवीर, दान में वीर। राजकुमार, राजा का कुमार। राह खर्च, राह के लिए खर्च। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। गंगा जल, गंगा का जल। अब इसमें क्यों है प्रमुख दूसरा शब्द? इन शब्दों में दूसरा शब्द जो है वो प्रमुख इसलिए है क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट करता है, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा भी हुआ है। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ, MCQ और प्रश्न उत्तर। हमें आशा है कि पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।